हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाई आपसे भी एक नई वीडियो के साथ। तो भाई काफ़ी कमेंट और फ़ोन आवा है हमारे पास कि मैग्नेट से कैसे पता करें करंट आ रहा है नहीं आ रहा, बैटरी चार्ज हो रही है नहीं हो रही है। तो भाई आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना। BS3 गाड़ी हो या BS4 गाड़ी हो उसका प्रॉपर एग्जैक्ट तरीका बताएंगे। ये भाई BS4 इंजन है, BS4 इंजन हो BS3 इंजन हो, ये तार मैग्नेट की तार होगी, बिठाइए ना। BS4 इंजन है भाई, मैग्नेट की तार से जो करंट आ रहा है वो देखो भी कितना जबरदस्त करंट है, मतलब पूरा जबरदस्त करंट होना चाहिए जैसे इसकी गाड़ी के अंदर है। इस करंट में बैटरी चार्ज होगी, अगर ये डिम होगा कम होगा तो बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो भाई जब भी आप मैग्नेट का करंट चेक कर रहे हो तो मैग्नेट का करंट आपने इस तरीके से चेक करना है। और अगर आपने भाई बैटरी चार्ज क्यों नहीं हो रही है, मैग्नेट आपका सही है, करंट इतना आना चाहिए भाई, कर दे बंद कर दे। तो भाई दोस्तों मैग्नेट से इतना करंट आना चाहिए जितना हमने आपको दिखाया है, क्योंकि इतना करंट आएगा तो आपकी बैटरी चार्ज होगी। अदरवाइज क्या होता है, मैग्नेट करंट तो देता है लेकिन थोड़ा करंट देता है, जिसकी वजह से क्या बैटरी पूरी चार्ज नहीं हो पाती। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैग्नेट का करंट इतना ही होना चाहिए था जितना इस गाड़ी के अंदर था। काफी भाई हमारे पास फोन करते हैं कि मैग्नेट से करंट आ रहा है बैटरी चार्ज नहीं होती, तो इश्यू यही रहता है कि मैग्नेट पूरा करंट नहीं दे रहा। अगर मैग्नेट पूरा करंट नहीं देगा तो बैटरी चार्ज नहीं होगी, अगर मैग्नेट का करंट फुल होगा दोस्तों तो बैटरी चार्ज होगी। इसके बाद चार्जर लगाया जा कैसे जाता है और बैटरी तक कैसे पहुंचाया जाता है, वो वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, वो वीडियो देख लेना। तो ये वीडियो एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से बहुत ही बड़ा आपको फॉल्ट बता दिया कि किस तरीके से मैग्नेट का करंट चेक किया जाता है। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।